हमारे मैनिफेस्टो का बीजेपी वाले तारीफ करते तो मैं घबरा जाता। बीजेपी वाले हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करें उससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस को आपने अटैक किया? नहीं ना, मैंने कांग्रेस को कोई अटैक नहीं किया। मैंने यहाँ के कैंडिडेट के हवाले से बात की और जो बात की मैंने अपने तकरीर में की उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगी इस बार, क्योंकि लोगों की उम्मीद है दोनों सूबों में? हमारा मंशूर देखिए, मैंने मंशूर में कुछ चीज़ों के हवाले से अपनी तकरीर में बात की। मुझे उम्मीद है अगर लोग हमारा मंशूर पढ़ेंगे तो बाकी तमाम तंजीमों के मुकाबले वो हमारे मंशूर को पसंद करेंगे और हमारे उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करेंगे। जेल में ही रखना था ना, फांसी और माला के अलावा और कोई चारा नहीं है? है चारा ना, लेकिन मुझे इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपके मुखालिफ इंजीनियर रशीद आए जेल से फॉर्म भरा, लेकिन आप दोबारा से गांधरबल से जेल से दोबारा फॉर्म भरा? ना, तो सिर्फ गांधरबल से ही नहीं ना, उनसे एक गलती भी हो गई। वो सोच रहे थे कि मेरा दूसरा सीट बीरवा का होगा, लेकिन मैंने भी चलाकी की, मैंने अपनी सीट का ऐलान नहीं किया और वो गलत सीट पे जाके अपने वो नामजदगी के कागज भर गए। फर्क नहीं पड़ेगा ना।